क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। बिजनेस की खबरों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद ये शब्द सुन सुनकर आप पक गए हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब क्रिप्टो में पेमेंट होने लगेंगे तो ये ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? रेजर पे और पेटीएम जैसे पेमेंट गेटवेज अभी हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन अगर क्रिप्टो से रुपया या रुपए से क्रिप्टो में पेमेंट करना है तो कैसे होगा? ये काम करने आ रहा है एक स्टार्टअप, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं आज के वीडियो में। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी की स्पेशल सीरीज टेक 30 2022। योर स्टोरी हर साल अपने सिग्नेचर इवेंट टेक्सपार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं। इस साल टेक्सपार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे अपनी वीडियो सीरीज टेक 30 2022 में। टेक 30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया है। 35,000 से ज्यादा नौकरियां देने में मदद की है। 300 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को हमने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक 30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्टार्टअप ऑन मेटा के बारे में। ऑन मेटा फिएट मनी और क्रिप्टो करेंसी के बीच एक्सचेंज करने के लिए ऑन रैम्प सर्विस देता है। इस तरह ये इन दोनों दुनियाओं के बीच की खाई को पाटता है। विदेश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ऐसी सर्विस प्रदान करती हैं, मगर ऑन मेटा का ध्यान विकासशील क्षेत्रों, विशेष रूप से भारतीय करेंसी पर है। इनकी सर्विसेज जल्द ही फिलिपीन पेसो और इंडोनेशियाई रुपया का समर्थन करेंगी। ऑन मेटा की ऑफ रैम्प सेवाओं की पेशकश करने का भी प्लान है। रेजर पे जैसे मौजूदा पेमेंट गेटवेज के बारे में आपने सुना ही होगा, ऑन मेटा भी क्रिप्टो के क्षेत्र में इसी तरह काम करता है। ये वेब 3 कंपनियों के पेमेंट गेटवे को सर्विस मुहैया करवाता है। कोई भी बिजनेस एक विजेट या API की मदद से ऑन मेटा को DAP यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में जोड़ सकते हैं। ऑन मेटा के 91% ट्रांजेक्शन 1 मिनट के भीतर हो जाते हैं। कुछ वेब 3 बिजनेस जैसे टिकेट, यूनिफार्म, पॉलीस्पोर्ट्स, वोक्स, सर्क्लेक्स वगैरह ऑन मेटा का इस्तेमाल करते हैं। शुरू होने के बाद से इसने भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 से अधिक वेब 3 ऐप्स के लिए 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन को मुमकिन किया है। इनका लक्ष्य अधिक देशों और अलग अलग ब्लॉकचेन में अपनी सेवाओं को एक्सपैंड करना है। फाउंडर्स भरत और कृष्ण IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। भरत ने पहले कई स्टार्टअप्स के साथ काम किया जिनमें मोबिलिटी इंडस्ट्री की जानी मानी फर्म्स शामिल हैं। उन्होंने रैपिडो के बेंगलुरु हेड ऑफिस में डेवलपमेंट हेड के तौर पर और housing.com में रीजनल हेड के रूप में काम किया है। भरत बेंगलुरु बेस्ड एक डिजिटल वेंडिंग मशीन कंपनी पिकबॉक्स के कोफाउंडर है। उन्हें पेमेंट गेटवेज के बारे में भी काफी जानकारी है। CTO कृष्ण तेजा के पास स्टार्टअप्स के साथ भी काम करने का अनुभव है। उन्होंने पहले ओला में प्रिंसिपल इंजीनियर और रैपिडो में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पर काम किया है। सुनिए फाउंडर्स क्या कहते हैं। ऑन मेटा प्रोवाइड्स क्विकेस्ट ऑन एंड ऑफ रैंप सॉल्यूशंस फॉर द वेब 3 बिजनेसेस एंड वी आर ऑन टॉप ऑफ 6 ब्लॉकचेन्स एंड वी आर लॉन्चिंग इन फिलीपींस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स एज़ वेल। Yeah, we integrated with the DEXs where we can able to give the coverage of 5,000 plus tokens. And as Krishna said, we are available both in India and Philippines as of now. Founders Bharat T और कृष्ण तेजा नेमानी ने पहले ओला और रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए पेमेंट संभाला था। अपनी पेमेंट एक्सपर्टीज को वेब 3 पर लाने के लक्ष्य से उन्होंने 2022 में ऑनमेटा की स्थापना की। शुरू होने के बाद से स्टार्टअप ने स्काई कैचर फंड और पॉलीगॉन स्टूडियो जैसे मार्की निवेशकों के नेतृत्व में सीड राउंड में $1.5 million जुटाए हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करता है और पॉलीगॉन, एथेरियम और BNB चेन जैसे कई ब्लॉकचेन में सपोर्ट प्रदान करता है। आपकी क्या राय है स्टार्टअप के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देश के बेस्ट स्टार्टअप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी सीरीज जरूर देखें। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है गौरव। शुक्रिया।